दोस्तों मिटरी ने आखिरकार अपना रंग रूप दिखा दिया, अपनी औकात दिखा दी और वही आखिरकार हमारे किंग बाबर आजम के खिलाफ और हमारी पाकिस्तान टीम के खिलाफ भोंकने लग गया। भाई आज की वीडियो में बात करते हैं और ये भी क्या चैंपियंस ट्रॉफी के वाले थे, एक बहुत बड़ी अपडेट जब वो सामने आई है। ये भी क्या हमारे आर्मी चीफ ने बाबर आजम को क्या मैसेज दिया वर्ल्ड कप से पहले, उस वाले से भी बात करते हैं। तो यार वीडियो शुरू होने से पहले भाई क्लिक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो चलिए शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले अगर आपने इस शाम को जो है वो फॉलो किया हुआ है किसी भी सोशल मीडिया पर जाकर अनफॉलो कर दो, क्योंकि इस शाम ने जो है वो अब बगावत शुरू कर दी है, सांप ने जो है वो अब भोंकना शुरू कर दी हमारे किंग बाबर आजम के खिलाफ और हमारी पाकिस्तान टीम के खिलाफ, क्योंकि यार फॉलोअर जो बढ़ चुके हैं ना भाई 3-4 लाख फॉलोअर हो गए, अब उसे कन्वर्ट करने इंडियन फैन में। तो भाई इसी तरह ही कल हुआ भाई अविनाश अरियान, भाई इसका नाम लेके यार यकीन करो मेरे मुंह से नहीं निकल रहा, यकीन करो इतना गंदा नाम है, लेकिन जिस बंदे ने जो हरकतें की है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि यार ये 2% का आदमी नहीं है, ये धोखेबाज है, ये आगे जाके धोखा देगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये बाबर आजम के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलेगा और आखिरकार बोल गया। भाई कल आरसीबी का मैच था और विराट कोहली उस टीम में होते हैं, हम सबको पता है कल मैच के दौरान जब वो विराट कोहली एक बार फिर से जल्दी आउट होगी, विराट कोहली जब वो 9 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हुए, तो फिर हमारे लेजर स्टार यानी कि जुनैद खान जो है वो ट्वीट पर मैसेज करते हैं कि यार 33 की स्ट्राइक रेट के साथ जो है वो आपका विराट कोहली खेलता है, शर्म आनी चाहिए। तो भाई ये बहुत अच्छी बात की है यार, हम जो है वो अपने पाकिस्तानी खिलाड़ी के ऊपर फखर करते हैं, हमारे जुनैद खान ने जो है वो इस तरह कह दिया, तो क्या हो गया यार, आपका जो इरफान पठान है वो ऐसे करता है तो वो क्या करता है। लेकिन यार खैर इस पे चढ़ा अविनाश अरियान को गुस्सा, भाई अविनाश अरियान ने ऐसे किया कि यार जो 3-4 लाख वाला फॉलोअर वाला पेज है ना उसका, उस 3-4 लाख फॉलोअर वाले पेज में जो है वो भाई अब भोंगना शुरू हो चुका है हमारे पाकिस्तान टीम के खिलाफ और भाई हमारे किंग बाबर आजम के खिलाफ। सबसे पहला ट्वीट हमारे पाकिस्तान टीम के खिलाफ, भाई ये देखो ट्वीट उसने किया 7 घंटे बाद, लेकिन इसको एक अजीब वाला कीड़ा चढ़ा हुआ है। तो भाई इसने पाकिस्तान के खिलाफ ये बोलना शुरू कर दिया कि अरे यार यहाँ भी गोल्ड मेडल हमने जीता और फिर 2 नंबर पर आप लोग आए, यानी कि इस पे हमारी टीम हमारे पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बोल है, उनकी टीम जो है वो 1 पर आई थी तो हमारी टीम जो है वो गोल्ड मेडल में 2 पर आई। भाई अगला ट्वीट हमारे किंग बाबर आजम के खिलाफ जो है वो इस बंदे ने ट्वीट किया, भाई उसी आधे घंटे बाद जो इसने ट्वीट किया कि यार न्यूजीलैंड की सीरीज आ रही है उसमें जो है वो स्ट्राइक रेट बहाल हो भाई साहब, मैं भी जुनैद खान की तरह सिर्फ स्ट्राइक रेट मेंशन करूंगा, मजा आएगा, बस अब बहुत हुआ। कौन है, कहां से आते हैं, ये देख रहे हो भाई, ये होती है चालबाजी, ये होती है धोखेबाजी, ये होता है अपने ही घर में सांप पालना। भाई अविनाश अरियान ने जो 4-5 लाख फॉलोअर्स लिए उसमें से 70% जो है वो हमारे किंग बाबर आजम के फैंस है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये बहुत बड़ा धोखेबाज है, ये आगे जाके धोखा देगा बाबर आजम के फैंस को, और ये इस ट्वीट पर जो है वो सीधा सीधा बाबर आजम को टारगेट कर रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज आ रही है तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो स्ट्राइक रेट बढ़ा लो आप लोग। इसे ट्वीट पर लिखता है कि क्या कहा रीच, फुरकान भट्टी वासे हबीब शेब जट को देखकर आप लोग आओगे मेरे पास वापस, अविनाश प्लीज एक वीडियो बना दो फुरकान और शेब जट के ऊपर। भाई हम तो नहीं आने वाले 2% आदमी के पास कि यार अविनाश भाई इसके ऊपर जो है वो वीडियो बना ले, फुरकान भट्टी के ऊपर जो है वो वीडियो बना ले, यार ये हमारी एटीट्यूड नहीं है भाई, आप जाओ बाढ़ में भाई, जो आपके 70% जो व्यूज आते थे वो पाकिस्तान से आते थे, वरना आपको कौन मुंह लगाता है यार, आपको तो अपने मुल्क वाले मुंह नहीं लगाते भाई, आपको तो है वो भाई और चैनल से भी निकाला गया। भाई आप जो है वो बाबर आजम के नाम से फैन लेकर जो है वो अभी 3-4 लाख फॉलोअर पे मशहूर हुए, तो यार आप जो है वो आप बगावत करने लगे और डूब के मरो यार। उसके बाद आधे घंटे बाद एक और उसको पता नहीं कौन सा कीड़ा चढ़ा हुआ, मुझे लग रहा है सस्ता नशा करके आया हुआ, भाई आधे घंटे बाद जो वो एक बार फिर से ट्वीट करता है और उस ट्वीट में लिखता है व्हाट अ टीम अफगानिस्तान सेकंड बेस्ट इन एशिया कप गुड नाइट। भाई हम सबको पता है कि वर्ल्ड कप में बदकिस्मती की वजह से जो है वो अफगानिस्तान ने हमें हरा दिया था, तो वो बुरा मैच था पाकिस्तान के लिए, तो भाई इस वजह से इसने ट्वीट किया। और जो दूसरा अगला ट्वीट है, अगला ट्वीट भी देखो यार, इसको इतना कीड़ा चढ़ा हुआ था कि ये पाकिस्तान और बाबर आजम के खिलाफ जो है वो बोलने लग पड़ा। खैर यार अगले ट्वीट में लिखता है कि व्हाट अ प्लेयर रहमत शाह, हम सबको पता है कि अफगानिस्तान के खिलाफ जो पाकिस्तान का मैच था वर्ल्ड कप में तो रहमत शाह ही खड़े थे क्रीज पर और उसने जो है वो जबरदस्त पार्टनरशिप बनाई दी, हम सबको पता है, लेकिन उसने इसको मेंशन करके जो है वो बहुत बुरा किया, क्योंकि आप भी जो है वो बहुत बड़ा धचका लगा है यार बाबर आजम के फैंस को और पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस
मास्क, और उसके बाद ट्वीट करता है कि हाँ भाई मुझे ये वाला 152 याद है, यानी कि जो पाकिस्तान हारी थी इंडिया से वर्ल्ड कप में, भाई इसको ये वाला मैच याद है। यानी कि यार इतना धोखेबाज है ना ये बंदा, यार ये तो 2% का आदमी नहीं है जिसको आप लोगों ने फॉलो किया। तो भाई मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि यार जाकर इसको अनफॉलो करो, कि इससे बड़ा धोखेबाज जो है वो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। यार 3-4-5 लाख जो है वो फॉलोअर्स लेकर अब जो है वो उस फॉलोअर को पाकिस्तानी के बजाय अब इंडियन फैन में कवर कर रहे हैं, माननी चाहिए यार। इससे आगे जाके मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। आपके सामने ये ट्वीट्स हैं जो कि हमारे किंग बाबर आजम और हमारे पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इसने भोंगना शुरू किया। खैर यार हम चैंपियंस ट्रॉफी की अपडेट के वाले से बात करते हैं। तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी की अपडेट, बहुत बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है। भाई हम सबको पता है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होनी है, तो भाई उससे पहले ही ऐलान कर दिया है इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए। हमारे चेयरमैन ने साफ साफ कह दिया कि भाई इंडियन फैंस को हम इजाजत देते हैं पाकिस्तान में आकर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखें, जिसमें जो है वो लाहौर को अलाउ किया, कराची को अलाउ किया और साथ ही साथ रावलपिंडी को अलाउ किया। यानी कि इंडियन फैंस जो है वो इन इन जगहों पे जो है वो जाकर मैचेस देख सकते हैं। यानी कि इतना बड़ा दिल है हम सबका। लेकिन यार अगर हम जब गए थे 2023 के वर्ल्ड कप में, हमने अप्लाई किया था लेकिन हमारा किसी का भी वीजा नहीं लगवाया था इंडियन वालों। तो ये होता है पाकिस्तान और इंडिया में फर्क। खैर यार हम लास्ट अपडेट के वाले से बात करते हैं। तो भाई लास्ट अपडेट में जब हमारी टीम गई थी अफ्तारी के लिए आर्मी चीफ के घर, तो भाई हमारे आर्मी चीफ ने हमारे किंग बाबर आजम को क्या बताया, भाई हमारे आर्मी चीफ ने बताया कि भाई आप सभी जो वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मेरी एक नसीहत याद रखना कि भाई वर्ल्ड कप में किसी से भी हार जाओ लेकिन इंडिया से मत हारना। इतनी बड़ी बात कह दी हमारे आर्मी चीफ ने, जिससे हमारी टीम जो है वो और पुरजोश हुई होगी, जिससे हमारी टीम जो है वो मजीद स्ट्रॉन्ग हुई होगी, जिससे हमारी टीम जो है वो मेंटली फिट हुई होगी। क्योंकि ये जो है वो हमारे आर्मी चीफ ने हमारे किंग बाबर आजम को अफ्तारी के दौरान कहा था। यकीन करो मैं ये देख कर ना बहुत खुश हुआ हूँ कि भाई हारना है वर्ल्ड कप बेशक हार जाओ, लेकिन इंडिया से नहीं हारना आप लोगों ने। तो भाई इस हवाले से आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आर्मी चीफ का ये बयान सुनकर आपको कैसा लगा, कि भाई मुझे तो नहीं लग रहा कि यार अब पाकिस्तान की टीम जब वो इंडिया से आ रही। तो भाई ये रही आज की अपडेट। मुझे उम्मीद है कि यार आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो यार अच्छी लगी तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ भाई जून के महीने में पहले पहले यार 10,000 सब्सक्राइबर करवा दो। क्यों नहीं करवा देते यार, वीडियो देख के चले जाते हो यार, सब्सक्राइब नहीं करते यार, सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को लाइक कर देना। अपना ख्याल रखो, मेरा भी ख्याल रखो। ओके अल्लाह हाफिज़।